हेलो फ्रेंड्स, यार आते वेलकम हैं मेरे को वेलकम बैक टू तो माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज है सेमीफाइनल और फाइनल, दोनों मैच आज होंगे मुवासा क्रिकेट क्लब में। तो आप देख सकते हो पीछे की साइड ये बैनर लगा हुआ है और ये है सामने ग्राउंड, और वो मैं आपको दिखाऊंगा जब मैच स्टार्ट होगा। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो में और सेमीफाइनल का मजा लीजिए। गाइस, आप देख सकते हो धीरे धीरे मैदान पर दर्शक आना शुरू हो गए हैं। अभी बस कुछ ही देर बाद में टीमें आएंगी और मैच शुरू होने वाला है। हमारे बिक्की भाई, जो कि काफ़ी शौकीन है क्रिकेट के, तो देखो नीचे बैठे हैं, और इधर कुछ टीमें आ चुकी है। तो काफ़ी ज़बरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा आज, बरैया खेड़ा वर्सेस कांदा खेड़ी, और इसके बाद फाइनल मैच होगा। ये सामने रखी है ट्रॉफी और ये माइक का इंतजाम हो चुका है दोस्तों। पीटर और अभी भी चलता हुआ हार्ड ओवर प्रगति पर सामना करेंगे नीतेश, जिन्होंने काफी लंबा चक्का मारा था और फिर से लॉन्ग साइड में मारा है एक्स्ट्रा कवर की तरफ, दौड़कर एक रन लिया। इसी के साथ स्कोर बढ़कर हुआ 61 रन, लॉस्ट ऑफ 5 विकेट। और बाप काफी सूझबूझ से बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों। अगर इसी तरह की बल्लेबाजी करते रहे तो इस मैच को निकाला भी जा सकता। अगली बॉल और ये पटकी हुई गेंद, तोड़कर एक रन लिया, बॉलर उसके पीछे और दूसरे रन के लिए निकल चुके हैं। इसी के साथ स्कोर बढ़कर हुआ 63 रन। अभी घमासान चलता हुआ दोनों ही टीमों के बीच, अब मात्र दो ही ओवर बचे हैं हमारे देवेंद्र भाई के लिए, क्योंकि देवेंद्र भाई एक जबरदस्त बल्लेबाज है, अपना अपने क्षेत्र का एक उभरता हुआ सितारा है। भले ही वो आज इस मैच में कुछ नहीं कर पाए, लेकिन यहाँ तक उन्होंने एक सफर तय किया है सेमीफाइनल का। तो देवेंद्र भाई के लिए एक बार जबरदस्त तालियां हो जाए, कमेंट्री बॉक्स में उनका स्वागत किया जाए। तो काफी डिसअपॉइंट है, निराशा हाथ लगी है, लेकिन आपको बैटिंग संभल के करना चाहिए। क्या कहना चाहोगे, इस हार का जिम्मेदार कौन है? हमारी टीम है, हमारे दो बॉलर थे वो लूज थे। हाँ, आपका एक जो लास्ट का ओवर जो आपने किससे करवाया था सुमन, ये चाहे तो आप ये ओवर और किसी को भी दे सकते थे अगर आपके पास कोई विकल्प था या नहीं। उससे बढ़िया बॉलर हमें कोई देखा नहीं रहता। अच्छा, अगर अनिल खेलता तो 8-9 ओवर तक खेल लेता तो जीत सकते थे। देवेंद्र भाई, हार्ड लक एंड बेस्ट ऑफ लक एंड लुकिंग फॉरवर्ड, वी विल मीट अगेन, थैंक यू सो मच। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे देवेंद्र भाई के लिए। जोर से। और बरैया खेड़ा के मलखान, जिन्होंने 50 मारी है, वो भी आए कृपया करके, काफी शानदार बैटिंग करी है। माकन, क्या नाम है माकन? माकन, दिमाग में क्या चल रहा था जब आपके 8 विकेट गिर चुके थे और आपका स्कोर बहुत कम था, विकेट कम थे और रन भी कम थे? दिमाग क्या चल रहा था? तो दिमाग में क्या चल रहा था, क्योंकि काफी लंबे लंबे शॉट मारे हैं। कोई बात नहीं, वो शर्मा रहा है क्योंकि नए नए खिलाड़ी हैं, जब धीरे धीरे ऐसे खेलते जाएंगे तो उनकी जो एजिटेशन है वो दूर होता जाएगा। अब नेक्स्ट जो फाइनल होगा वो बरैया खेड़ा वर्सेस मुवासा का होगा, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा दर्शकों ने इस मैच का काफी लुत्फ उठाया, एक शांति बनाए रखी, एक अच्छा मैच हुआ और मैच को पूरी तरह से दर्शकों ने अच्छे से देखा। तो थैंक यू सो मच। पोस्ट प्रदर्शन सेरेमनी, अब अगला मुकाबला हमारा मुवासा और बरैया खेड़ा का होगा, जो कि 12 ओवर का होगा लगभग। थैंक यू सो मच।